भारत खान पान का भंडार है। यहाँ हर रसोई में पारंपरिक एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है। इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है। यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एकमात्र खोज है। यह चैनल भारत के अनेक प्रकार के व्यंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। साइदापेट वड़ा करी तमिलनाडु के मदुरई और साइदापेट में बहुत ही मशहूर है यह रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री: भिंगोया चना दाल 250 ग्राम, लाल मिर्च 6, कड़ी पत्ता 5 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, तेल आवश्यकता अनुसार, तेज पत्ता 2, दालचीनी 1, लौंग 5 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, हरी मिर्च 20 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 10 ग्राम, धनिया पाउडर 10 ग्राम, जीरा पाउडर 10 ग्राम, टमाटर 30 ग्राम, पानी आवश्यकता अनुसार, नारियल का पेस्ट 1 कप, धनिया पत्ती 5 ग्राम। बनाने की विधि: सबसे पहले मिक्सी जार में भिंगोया चना दाल डालें, उसमें लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, नमक डाल के पीसें और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने लायक तेल गरम करें। बाद में पीसे हुए मिश्रण से छोटा छोटा वड़ा बनाएं और तेल में डाल के सुनहरा होने तक अच्छे से पका लें। इसे प्लेट में निकाल के साइड में रखें। अब दूसरे बर्तन में तेल गरम करें और उसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डाल के थोड़ा फ्राई करें और सौंफ डालें। अब इसमें प्याज डाल के मिलाएं और नमक डालें। बाद में हरी मिर्च डाल के अच्छे से मिलाएं। ऊपर से अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल के फिर से मिलाएं। अब टमाटर के टुकड़े डालें और अच्छे से फ्राई करें। इसमें पानी डाल के कुछ देर उबलने दें। बाद में पहले से बना वड़ा लें और उसे हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। और मिश्रण में डाल के अच्छे से मिलाएं। ऊपर से नारियल का पेस्ट और धनिया पत्ती डाल के कुछ देर उबलने दें। हो गया आपका साइदापेट वड़ा करी तैयार। तो इसे आप इडली के साथ परोसे और ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल स्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।